So, everything which you look around is made of something, like your hair proteins, your skin, you yourself, your DNA that makes up your genetic material, your fats, right? Then the paper, the clothes you wear, the food you eat, everything is made of carbon. So yes students, we are doing organic chemistry. हम इसे organic chemistry क्यों कहते हैं? तो थोड़ा सा इसकी history पे focus करते हैं, ठीक है? History of this. Yes. So students, welcome back to the chapter that is general organic chemistry. In this we are going to study very simple element that is carbon. Simple के साथ ये complicated भी है. क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारे compounds हैं. जैसा मैंने आपको कहा कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, plastics, phone cover, everything, almost everything is made of your carbon, ठीक है? Even you yourself are made up of carbon. So, ऐसा है students की history इसकी हमें जाननी ज़रूरी है कि किस तरह से इसका नाम organic compound आया, या ऐसा क्या चीज़ है कि chemistry का वो branch जिसमें carbon को separately study किया जाता है, उसे हम organic chemistry कहते हैं. तो शुरू करते हैं इसको. देखिए, जो हमारे scientists थे, Tobin Birch Mann first, ठीक है? You have to remember them, ठीक है? Tobin Birch Mann. ये वो scientist है student, जिन्होंने 1770 में ये बताया कि organic compound हम किसे कहेंगे और inorganic compound हम किसे कहेंगे. In short, he has explained the difference between the organic and inorganic compounds. ठीक है? तो यहाँ पे चीज जानने की ये है कि difference था क्या? Difference ये था students कि जो हमारे organic compounds की बात की जा रही है, ये organic compounds are nothing but the compounds derived from organism, ठीक है? और inorganic compounds, the compounds derived from minerals, जैसे कि metals, ठीक है? Metals and some non-metals also, they are found in minerals, ठीक है? तो organic compound वो होंगे जो plants या animals से derived होंगे, और inorganic compounds वो होंगे जो minerals से derived होंगे. तो पहली theory इन्होंने दी, या कह सकते हैं कि इन्होंने difference बताया organic और inorganic compounds का. अब देखते हैं इसके बाद कौन आए, ठीक है? इसके बाद आए ब्रेजीलियस. इन्होंने थ्योरी दी इन समवेयर अराउंड 1860. इन्होंने ये थ्योरी दी जिसको आप बोल सकते हो वाइटल फोर्स थ्योरी. ये कहते थे, वाइटल फोर्स थ्योरी में ये कहते थे कि ये तो वाइटालिटी की थ्योरी तो बहुत आती है, बस इसमें बहुत लोग बिलीव करते हैं, बट इसका कोई खास प्रूफ नहीं होता. बट यस, इन्होंने कहा कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ना ही वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं लैब में, ना ही मैनिपुलेट किए जा सकते हैं. ना इसे प्रिपेयर किया जा सकता है और ना ही मैनिपुलेट किया जा सकता है. मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? तो उसमें चेंजेस भी हम नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया, ठीक है? तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ढूंढते थे या बनाते थे, तो बनाने के लिए वो बनता नहीं था लैब में, और मोस्टली उसमें हम कुछ मैनिपुलेशन कर नहीं सकते थे, क्योंकि चेंजेस करो, तब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी ना, तो इसीलिए चीज़ें थोड़ी इम्पॉसिबल थी. तो ब्रेजीलियस ने यही कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव किया जा सकता है. लेकिन आफ्टर सम टाइम एक साइंटिस्ट और आते हैं. सी, इन्होंने दो चीजें मना की, प्रिपरेशन भी लैब में नहीं हो सकता एंड मैनिपुलेशन यानी चेंजेस भी लैब में नहीं हो सकता. तो आफ्टर सर्टेन टाइम जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो आए, माइकल. ठीक है,
माइकल, इन्होंने बोला कि ठीक है, प्रिपरेशन का तो मैं नहीं जानता, बट यस हम एनिमल फैट से सोप बनाते हैं, ठीक है, तब भी सोप्स बनते थे, तो हम एनिमल फैट से सोप बनाते हैं विद हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ऐसे बनता है कुछ एनिमल फैट प्लस NaOH एंड सम वाटर गिव्स सोप एंड ग्लिसरीन, ठीक है. तो इन्होंने कहा कि इसी सोप से हम फैटी एसिड्स तैयार कर सकते हैं, यानी कि मैंने एनिमल फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट किया, यानी कि मैनिपुलेशन हो सकते हैं, ऐसा माइकल शेवरॉल ने कहा, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो सोप था, इस सोप में कुछ एसिडिक वाटर यानी H3O+, ठीक है, एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला. तो ये जो सोप है जो कि कार्बोक्सिलिक कार्बन कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन का एक लॉन्ग चेन होता है, वो चेन ब्रेक होके फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ. तो इसका सिंपल इन्होंने मतलब ये निकाला कि एनिमल फैट को मैंने मैनिपुलेट किया इनटू फैटी एसिड्स. तो सिंपली देयर हैज बीन मैनिपुलेशन डन बाय माइकल, सो दैट इज व्हाई ये तीन थ्योरी इस तरह से आई. और फिर बाद में ये जो प्रिपरेशन वाली थ्योरी थी ये भी फेल हुई, यानी कि वाइटल फोर्स का मतलब क्या होता है, वाइटल मतलब नेसेसरी. तो वाइटल फोर्स कहता है कि भाई हम लैब में सिंथेसाइज ही नहीं कर सकते हैं, ये नेचुरल चीज़ है, ये नेचर ही सिंथेसाइज कर सकते, हम नहीं कर सकते. और इसी थ्योरी का सबसे पहले माइकल ने ब्रेक किया एक पार्ट. दूसरा फ्रेडरिश वोलर जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरिया प्रिपेयर किया लैब में, और उसके साथ ही वाइटल फोर्स थ्योरी पूरी तरह से वैनिश हो गई और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी किया जाने लगा. तो उस साइंटिस्ट को भी हम मेंशन कर लेते हैं और फिर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं. सो फ्रेडरिच वोलर फोर्थ समवेयर अराउंड इन 1828 इन्होंने पहले प्रीवियसली नोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम यूरिया कहते हैं, यूरिया जो हम यूरिनेट करते हैं, राइट, वो यूरिया को इन्होंने लैब में सिंथेसाइज किया. इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनाइड जो आसानी से प्रिपेयर होता है, लाइक NH4Cl है, ठीक है, इस NH4Cl को पोटेशियम साइनेट KCNO के साथ रिएक्ट करो तो आपको मिलता है अमोनियम साइनेट NH4CNO, ठीक है, दिस इज अमोनियम साइनेट और बाई प्रोडक्ट में आपके निकल जाता है KCl, ठीक है. तो ये जो अमोनियम साइनेट है, इसका नाम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, अमोनियम साइनेट, ठीक है, ये जो अमोनियम साइनेट है इसे जरा सा हीट कर दो, हीट करते ही इसमें रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है. तो विल राइट दी रीअरेंजमेंट रिएक्शन ओवर हियर NH4CNO, और हीट करने से क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट. ये जो रीअरेंजमेंट होता है यहीं पर बन जाता है यूरिया. कैसे होगा रीअरेंजमेंट, तो जो अमोनिया है ये किस तरह से अपने आप को रीअरेंज कर रहा है, देखिए NH2, आप ये कह सकते हो कि कार्बन का बॉन्ड N से होता है ना कि H से, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देर इज आई थिंक नो प्रॉब्लम, राइट. तो NH2 बॉन्डेड विथ कार्बन, वन मोर NH2 बॉन्डेड विथ कार्बन एंड वन ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ कार्बन, ठीक है. दिस इज हाउ द रीअरेंजमेंट ऑफ अमोनियम साइनेट टेक्स प्लेस एंड दिस इज नथिंग बट योर यूरिया. सो ये यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है. सो बाई हीटिंग और रीअरेंजमेंट. तो फ्रेडरिच वोलर ने ये कहा
कि वाइटल फोर्स थ्योरी कंप्लीटली नल एंड वॉइड हो गई बिकॉज ही प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन लेबोरेटरी. सो इस तरह से थोड़ी सी हिस्ट्री थी. इनिशियली माना गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही मिल सकते हैं या नेचर ही दे सकता है. धीरे धीरे हमें पता चलता है कि इसे लैब में भी सिंथेसाइज किया. 1717 की थ्योरी थी कि ये वाइटल फोर्स है समवेयर इन द 1700s के सीरीज में. 1800 आते आते धीरे धीरे 1816 में पहले माइकल ने देन फ्रेडरिक वोलर जी ने इन्होंने दोनों ही जो मैनिफेस्टेशंस थे कि मैनिपुलेशन और प्रिपरेशन दोनों ही को खारिज किया और कहा कि दोनों ही किए जा सकते हैं. मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है और बाद में प्रिपरेशन भी किया जा सकता है इन टू द लैब. सो दिस वॉज स्मॉल ब्रीफिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब देखते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज कार्बन. ठीक है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बैकबोन है या कह सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो है कार्बन. आपने कई बार अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा कि मतलब मैंने तो काफ़ी सुना है बचपन में, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने सुना होगा कि शरीर मिट्टी का है. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा है कि जब भी हम कोई ऑर्गेनिज्म मरता है तो मरने के बाद एक्सपायर होने के बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर उसे सॉइल में दफन कर दिया जाए तो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं उसको, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंट्स एक्सेट्रा खा जाते हैं. खाने से क्या होता है कि वो कार्बन के कंपाउंड है. हमारा जो बॉडी है इट इज़ मेड ऑफ कार्बन और क्योंकि कार्बन का कंपाउंड है इजीली ये हम पे ये ऑर्गेनिज्म्स किसी भी बॉडी पे फीड कर पाते हैं क्योंकि वो कार्बन कंपाउंड्स या तो प्रोटीन्स होंगे विटामिन्स होंगे ऐसी चीज़ें होती है इसलिए वो लोग उसमें से एनर्जी डिराइव कर सकते हैं. तो कार्बन के कंपाउंड से हम आसानी से एनर्जी डिराइव कर ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो पूरा तरह से सॉइल में मिक्स हो जाता है. सड़ने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है पूरी तरह से सॉइल में मिक्स हो जाता है. वो नेचर की बनाई हुई चीज़ है ऑर्गेनिज्म, इंसान की बनाई हुई चीज़ प्लास्टिक नहीं. इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंपल रीज़न कि वो कार्बन के बने. और कार्बन क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. देखते हैं कार्बन के कंपाउंड्स को. जैसे कि मैंने कहा कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं. हमने देखा ना क्लोथ्स ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिस प्रोटीन का आपका हेयर बना हुआ है या फिर जो आप डीएनए है जो आपका जेनेटिक्स बना रहा है, सब कुछ किसका बना है? कार्बन का. तो ये कार्बन कंपाउंड इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना रहा है? कार्बन एलिमेंट इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना रहा है? यहाँ तक कि सोप्स में, शैम्पू में, ग्लिसरीन में, यहाँ भी कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स भी कार्बन के बने हैं. आपका जो स्विच बोर्ड है वो भी कार्बन कंपाउंड है. पॉलीमर्स आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हैं. इनफैक्ट 7th में हमने नेचुरल फाइबर्स पढ़ा था, फिर 8th में हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े. तो ये सब हमने देखा कि ये कार्बन के बने हैं. किस तरह से बने इतने सारे कंपाउंड? प्लास्टिक्स भी इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन के बनते क्यों हैं? एक ही तो एलिमेंट है फिर भी इतने सारे कंपाउंड्स. तो इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज है, इसकी खास दो प्रॉपर्टी है. कौन सी दो प्रॉपर्टी है पहले वो देखते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है, सो आई जस्ट डिवाइडेड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. सो देर आर ओनली टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड दैट इज द फर्स्ट वन, दे आर टेट्रावेलेंट. कार्बन इज टेट्रावेलेंट. वॉट डू यू मीन बाय टेट्रावेलेंट? टेट्रा का मतलब होता है फोर, राइट? टेट्रा मीन्स फोर एंड वैलेंट मीन्स वैलेंसी. यानी कि कार्बन के पास फोर की वैलेंसी है. फोर की वैलेंसी मतलब सी. अब तक हम ये देखते आए हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कोई भी एलिमेंट के बारे में हम यही देखते हैं कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है. कंप्लीट का मतलब
ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे विद सम और अदर सम अदर एलिमेंट्स और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, टेकिंग इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन भी इन तीनों में से एक प्रोसेस को अपनाता है। तो कार्बन को हम समझते हैं टेट्रावेलेंसी कैसे होगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर आप देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2.4। या दूसरे वे में आप देखो तो ये है 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है, तो 1s2 का मतलब यहाँ पे एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में भी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेकेंड शेल के पी सब शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉन्डिंग में कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन पूरे 3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, एक sp3, दूसरा sp2, तीसरा sp। ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कर पाता है। आई थिंक आपको याद होगा, नहीं याद है तो प्लीज मेरी वो सीरीज को एक बार देख लीजिए, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉन्डिंग। इट इज वेरी सिमिलर टू मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड यू कैन से। सो यहाँ पे ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कर सकता है। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर होके क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं इस तरह से, ठीक है, अपने हायर ऑर्बिटल्स में जंप करते हैं। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये बॉन्ड कैसे होते हैं, तो ये बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट। कोवेलेंट के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि हम कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हम उन बॉन्ड्स को कहते हैं जहाँ पे ना गिविंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ना ही टेकिंग होता है, इंस्टेंट शेयरिंग होता है। यानी कि एक कॉमन रीजन होता है जिसमें जो दोनों बॉन्डेड एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह से शेयरिंग होगा, ठीक है, शेयरिंग। सपोज करो कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का ये कॉमन रीजन होगा, ठीक है। इस कॉमन रीजन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे या रिवॉल्व करेंगे, इसे हम शेयरिंग कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही बॉन्ड बना के दिखाया है, बट एक्चुअल में कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 2 से 4 बॉन्ड ये बना सकता है, 2, 3, 4, 3 तो नहीं, 2 या 4 टोटल, ठीक है। तो इतने सारे ये बॉन्ड्स बनाता है, सो इसीलिए ये हो गया टेट्रावेलेंट या 4 की वैलेंसी है इसकी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। सो वॉट डू यू मीन बाय कैटेनेशन, बहुत सिंपल सी चीज़ है कैटेनेशन, अगर मैं कहूँ तो बहुत आसानी से ये वर्ड आपको समझ आ जाएगा, सेल्फ कॉम्बिनेशन, ठीक है, सेल्फ कॉम्बिनेशन। सी, सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि एक एटम खुद ही से बॉन्ड कर रहा है, नहीं, सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब है एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम से, किसी और एलिमेंट से नहीं, दूसरे कार्बन एटम से, फिर इसका आगे कार्बन एटम से, फर्दर कार्बन एटम से, ऐसा अप टू एन चेन बन सकता है। आपके पेट्रोल डीजल आप देखो उसमें भी बहुत लंबे लंबे चेन मिलेंगे, सोप में भी 37-40 कार्बन के चेन मिलते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज देखो उसमें तो बहुत ही लंबा चेन है, ठीक है, और वो भी ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन एक कैटेनेशन करने वाला कंपाउंड एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेल्फ कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो क्या कोई और एलिमेंट नहीं करता, डेफिनेटली करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं सल्फर का, एक एग्जांपल हम लेते हैं फॉस्फरस का। तो जो सल्फर है, सल्फर ज़्यादा से ज़्यादा 8 बॉन्ड, 8 एटम को एक साथ बॉन्ड कर सकता है। ये जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स एटम को डिनोट करते हैं, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। इस फॉर्म में सल्फर S8
बना सकता है, ठीक है। लेकिन S8 के बाद क्या सल्फर और सल्फर को चेन में ला सकता है? नो। फॉस्फरस P4 बनाता है, ठीक है। हाँ, कुछ और कंडीशंस भी है, बट फिर भी ये इतना लंबा चेन नहीं बना सकता, ठीक है। सिलिकॉन भी SI8 तक ही कर सकता है, यानी कि इनकी लिमिटेशंस है। ये 4 या 8 एटम्स को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे ये 8ों सल्फर है ना, सल्फर के अलावा कुछ और नहीं होंगे, तो इसका मतलब कि इनकी लिमिटेशन है कैटेनेशन की। वहीं पे कार्बन की कोई लिमिटेशन नहीं है, कार्बन कैन मेक चेन अप टू एन नंबर। इसीलिए ये कैटिनेशन इसकी बहुत ही खास प्रॉपर्टी बन जाती है, यानी कि किसी कंपाउंड में आपको कार्बन 1 दिखेगा, एक ही एटम दिखेगा, किसी में कार्बन 2 एटम दिखेगा, किसी में कार्बन 37 एटम्स दिख सकता है, या किसी में कार्बन 100 एटम्स भी दिख सकता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। आई एम टॉकिंग इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, यू गेट दिस। सो दिस इज व्हाट इज 2 प्रॉपर्टीज, दैट इज टेट्रावेलेंसी and catenation. Because of these 2 properties, carbon can make numerous compounds and can be used as per the requirement. And in nowadays we are using it for preparing many things like polymers, plastics and like melamine, जो हमारा fiber है उससे हम suit बनाते हैं, जो fire brigadiers को काम आता है ना, जो fire stop करने के लिए जाते हैं तो जो suit पहनते हैं वो मेलामाइन का बनता है, स्विच बोर्ड बेकलाइट का बनता है, विच इज अगेन अ कार्बन कंपाउंड। सो कार्बन के इतने न्यूमरस कंपाउंड होने के पीछे ये 2 प्रॉपर्टीज है। प्लीज मेक श्योर कि जब मैं हट रही हूँ स्क्रीन से तो इसलिए कि आप इसको कॉपी या स्क्रीनशॉट कर सके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर तो ले लिया, अब इसको मैंने जैसे आपको कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों लिखा है, इन शॉर्ट इसको हम GOC कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम आगे पढ़ते हैं तो इतना लंबा नाम कोई नहीं बोलता, डायरेक्टली GOC कहते हैं। तो GOC में क्या होता है, फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन होता है, देन हम बहुत सारे कंपाउंड्स को देखते हैं कि कैसे कैसे ये कंपाउंड्स बना रहा है। तो मेजर जो इसके ग्रुप्स हैं उनको हम पहले देखेंगे, उनके नाम देखेंगे, नॉमेनक्लेचर किस तरह होता है, फिर उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे टॉपिक्स है आपको आगे आगे समझते जाएंगे, जैसे कि आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। नहीं समझा तो प्लीज़ एक बार फिर से देख लीजिएगा, इन केस आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल हेल्प यू विद द सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स। सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक द लीव, टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।